मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी पारा भी गर्म हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापस लौटने के लिए हर जतन में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देश में कोई भी चुनाव राम मंदिर के मुद्दे के बिना पूरा नहीं होता है, ऐसा ही मध्य प्रदेश चुनाव में भी देखने को मिला है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से इंदौर में पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें राम मंदिर के साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई थी। इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। वहीं महंगाई को लेकर कहा कि प्रदेश में और देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में केरल में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, साथ ही फिलिस्तीन के नेता ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया था। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर उनके समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसका जवाब देते दिग्विजय सिंह ने कहा, झूठ झूठ और झूठ, भाजपा केवल झूठ बोलती है। देखिए, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, अच्छा हिंदू हूँ, राम हमारे इष्ट देव हैं, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। और राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000 और वो चेक मैंने भेजा मोदी जी को कि जाके ट्रस्ट में जमा करा दीजिए। उन्होंने वापस भेज दिया कि आप ही जमा कराइए। मैं वहां जमा करा दिया।